आईपीएल में अक्सर फ्रेंचाइज को शिकायत होती थी कि अगर खिलाड़ियों को पैसा कम मिलता था तो वो पारिवारिक कारणों को बताकर रफू चक्कर हो जाया करते थे, या अगर उन्हें लगे कि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा टीम कॉम्बिनेशन में तो वो रफू चक्कर हो जाया करते थे। ऑक्शन पे पैसा ना मिलना या टीम में जगह ना मिलने से रफू चक्कर होने वाले खिलाड़ी अब बैन हो जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल में बैन वाला नियम लागू कर दिया है। ये जो नियम है ये बड़ा खतरनाक नियम है, और ये नियम कहता है कि जो खिलाड़ी सीजन से पहले टूर्नामेंट से हटता है उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप आईपीएल में इस साल आते हैं, आईपीएल 2025 के ऑक्शन में, और आपने कहा गुरु हम इस साल नहीं खेलेंगे, तो ये साल तो जाएगा जाएगा, 26-27 में भी आपको जगह नहीं मिल पाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको बहुत ये उठाया था मसले को, क्योंकि अक्सर खिलाड़ी ये करते हैं और फ्रेंचाइज जो होती हैं जोर शोर से नाम लगाती हैं, माहौल बनाती हैं, कॉम्बिनेशन तैयार करती हैं, लेकिन खिलाड़ी जब आखिरी समय पर गच्चा देता है तो वो परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में जो खिलाड़ी आईपीएल में बीच में से गायब होगा उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग नियम है, हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, वो क्या है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है वो यही कि अब आईपीएल में फ्रेंचाइज को खिलाड़ी धोखा नहीं दे पाएंगे। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, इरफान पठान ने भी कहा कि मैं तो 2 साल से इस बारे में बात कर रहा हूँ, वो बार बार कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने अच्छा कदम उठाया है, ये आईपीएल को और मजबूत करेगा कि अगर कोई खिलाड़ी किसी फ्रेंचाइज में जाता है और सीजन से पहले टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो फिर उसे बैन कर दिया जाएगा, न सिर्फ उस सीजन के लिए बल्कि अगले 2 सीजन के लिए। अक्सर विदेशी खिलाड़ियों पर ये आरोप लगते हैं, बहुत बार ये आरोप लगते हैं कि वो आते हैं और मिड सीजन में गायब हो जाते हैं, और अब ऐसे गायब होने वाले प्लेयर को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इरफान कहते हैं कि पिछले 2 साल से मैं इस बारे में बात कर रहा था, अब बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है तो ये अच्छा नियम है, लगता है कि इससे आईपीएल का इंटरेस्ट जो है मजबूत होगा और आईपीएल अब धीरे धीरे कई मायनों में मजबूत होता जा रहा है। दरअसल शनिवार को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर फ्रेंचाइज को बताया गया क्या कर सकते हैं। इस बार बहुत सारे नियम कायदे कानून बदले गए हैं। 8 पॉइंट में आईपीएल की गवर्नर काउंसिल ने बताया कि आप 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, 1 खिलाड़ी पर 18 करोड़ खर्च कर सकते हैं, अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो फिर उसे मिनी ऑक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप मेगा ऑक्शन में आते हैं और आप नहीं बिकते हैं तभी आप मिनी ऑक्शन जा सकते हैं, अगर आपने मेगा ऑक्शन में अप्लाई नहीं किया तो आप भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपसे। दूसरा, जो खिलाड़ी सीजन की शुरुआत में टूर्नामेंट से हटता है उसे बैन कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कंडीशन ये है कि चोट लग जाती है अगर आपको या मेडिकल कंडीशन होती है तो फिर ये नियम आपके लिए नहीं लागू होंगे, इसमें होम बोर्ड को जानकारी देनी होगी। लेकिन ये जो निजी कारणों का हवाला देकर या नेशनल ड्यूटी की बात कहकर हटते हैं जिससे टीमों कॉम्बिनेशन बिगड़ता है, अब ये वाला हिसाब किताब नहीं होगा। इससे बचने के लिए ही बीसीसीआई ने ये नया नियम जो है ये लागू कर दिया है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सबसे बड़ी बात इस बार जो आई है वो यही कि 6 प्लेयर को रिटेन किया जाएगा, 5 इंटरनेशनल, 1 अनकैप्ड प्लेयर होगा, जैसे कि अनकैप्ड में सीएसके से एमएस धोनी आ सकते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग बात है निकल कर आई है। साथ ही टीमों की जो पर्स लिमिट थी, जो पहले 100 करोड़ थी, उसे 120 करोड़ कर दिया गया है। मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड भी दिया जाएगा ताकि एक टीम स्क्वाड में 6 से ज़्यादा प्लेयर्स को अपने साथ रख सकती है। और मेन ये माना जा रहा है कि जो बड़ी टीम है जैसे केकेआर है, उसके पास सुनील नरेन है, आंद्रे रसल हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा हैं, फिल सॉल्ट हैं, कई बड़े प्लेयर हैं, उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है खराब नहीं हुआ। एसआरएच भी है, एसआरएच की समस्या थी कि विदेशी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस बार आप 5 खिलाड़ी जो रख सकते हैं वो आप देसी विदेशी कोई भी रख सकते हैं। तो एसआरएच चाहेगी तो ट्रेविस हेड को, पैट कविंस को या क्लासन को अपने पास रिटेन कर सकती है। सीएसके, आरआर और एमआई के पास भी यही फायदा होने वाला। तो ओवरऑल ये साल बेहतर होने वाला है, इस साल नियम कायदे कानून काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो खिलाड़ी बैकआउट नहीं कर पाएंगे, जो सबसे शानदार चीज़ है। इससे टूर्नामेंट की शुरुआत में जो खिलाड़ी हैं वो टूर्नामेंट के एंड तक नजर आएंगे अनलेस एंड अंटिल वो चोटिल होते हैं। आपको लग रहा है कि आईपीएल ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, हर मैच की फीस भी देकर ओवरऑल खेल रहे तो इतना अलग पैसा देकर? इट सीम्स कि आईपीएल अब लार्जर देन लाइफ होता जा रहा है।